हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं 9। तो अपना गाड़ी जो है शाम को मंडी में खड़ा कर दिया था, तो अब थोड़ा जाएंगे फ्रेश होने के लिए। उसके बाद चाय वगैरह बनाएंगे, चाय पियेंगे अपनी, क्योंकि चाय वाला अंदर नहीं है और गर्मी भी काफ़ी है। तो अब चलते हैं बाथरूम फ्रेश होने के लिए। तो सुबह आया था, 7 बजे के करीब आया था बंदा ये अपने बिल्टी लेने, चलान लेने। चलान ले गया लेकिन अभी बोला नहीं कि अपनी गाड़ी का रास्ता दरबार खोलो। तो काफ़ी बढ़िया मंडी है भाई, आपको मैं मंडी का व्यू भी बताता हूँ थोड़ा कि मंडी कैसी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, उसके बाद दिखाएंगे आपको सब कुछ। ये देखो, ये सामने कंटेनर और ये सामने मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है भाई। वो सामने आलू प्याज, तो बाथरूम भी वो सामने ही है। बाथरूम के पास जाएंगे, मुँह वगैरह धो लेंगे। वो सामने अपनी दुकान है, वहाँ पे यहाँ पे माल खाली होगा। और ये सामने गाड़ी अपनी देखो भाई, प्याज की गाड़ी भी आई है, आलू की भी आई हुई है। काफ़ी बड़ी मंडी है और काफ़ी मतलब साफ़ सफाई है यहाँ पे। ऐसे ही साफ़ सफाई हर मंडी में होनी चाहिए, बहुत बढ़िया मंडी है। लेकिन आज कुछ रश नहीं है, शायद से लगता है 26 जनवरी, इस वजह से रश नहीं है मंडी में। तो चलो चलते हैं, आप चाय वगैरह बनाएंगे, फ्रेश भी हो गया। आगे बन रही है भाई कड़क चाय, देखो कैसे उभर रही है। डाला अदरक इसमें और इलायची डाली है, अब पियेंगे। ये भाई बेंगलोर मंडी में लगा ली सेल दूध की, हमने लाया था वेरका का दूध है यार, कंपनी का दूध है वेरका। सेल लगाना शुरू कर दिया। गर्म करनी है ना? हाँ हाँ, सोचा पहले कि दूध को गर्म कर लेंगे। हाँ हाँ, बंद कर लो, दूध को गर्म करके पियेंगे, ज़रा ताकत बनाएंगे। कमज़ोरी बहुत पड़ गई है, गर्मी भी काफ़ी है यार, तो सोच रहे कि नहाने का। ला लिया भाई आलू प्याज अनुज भाई ने, क्योंकि आपको पता है मंडी में कहीं भी जाएंगे तो अगर किसी को कुछ मांगेंगे खाने के लिए तो मिल जाता है। ये प्याज ला लिए मांग के यहाँ से, क्योंकि दुकान नहीं थी, और वो ला लिया आलू, आलू प्याज बनाएंगे। आलू प्याज कट कर दिए हैं, तो भाई भी आए हुए थे, इधर ही लोकल रहते हैं ये, तो इधर मिलने आए हुए थे भाई से। खाना अपना बनाएंगे अब। तो यार लोड अनलोड का भी कंफर्म नहीं है कि कब होगा अनलोड गाड़ी। तो भाई खाना बन गया था, तो खाना भी खा लिया। और ये भाई हैं, ये राजस्थान के, इनका इधर अपना बिजनेस है। तो अभी अपना गाड़ी जो है वो अनलोड नहीं हुआ है, सामने आरजे गाड़ी खड़ा है 10 चक्का। मंडी भी भाई काफ़ी शांत है, कोई रश नहीं है, देखो खाली, पूरे शटर बंद है मंडी के। तो अब देखते हैं, शाम को जाना है यार दूसरी मंडी में। जो अपनी ये दुकान थी, ये चलान लेके चला गया, भाग गया। ये आरजे नंबर गाड़ी है, वो HR है और भाई बाकी सब उधर है। तो भाई मंडी में ही है, देखो भाई लहसुन का छिलका, गाजर वगैरह, लेकिन गंद यहाँ पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये अपना गाड़ी है, देखो भाई। तो पीछे मार्केट भी मतलब कि मंडी की जो है सब बंद है। तो देखते हैं, अब शाम को जाना है दूसरी मंडी में। इस मंडी का नाम है भाई दशनापुरा, और अब हमें जाना है दूसरी मंडी में, क्योंकि अपने माल जो पीछे वाला वो दूसरी जगह खाली होगा। तो चलो अब क्या करना है यार, दिन ऐसे ही टूट रहे हैं बेफजूल के, कोई समझ नहीं आ रही यार। भाई शाम के 5:30, तो अपना जो था अनलोड नहीं हुआ है, आपको पता ही है, तो चाय बनाया होगा ना। ये रहा चाय, तो चाय पी रहे हैं, क्या करेंगे यार यहाँ पे। और गाड़ी अपनी ये सामने, मैं इधर ही बैठा हूँ, ये फुटपाथ है थोड़ा बनाया हुआ, इन्होंने बैठने के लिए फुटपाथ हुआ या कुछ भी हुआ रब जाने, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हम, कुछ बैठने के लिए बनाया हुआ बैठक जैसी, तो बैठे हुए हैं। तो देखते हैं यार, अपना गाड़ी भी अनलोड नहीं हुआ यार, मूड ऑफ हो गया सब। भाई आए हुए थे सब, तो अब जा रहे हैं वापस। ये शाम के बज गए अब 6। तीनों भाई इधर से, दो ये दो भाई राजस्थान से हैं और ये भाई जो यहीं के हैं राजस्थान से, सांचौर से। कहाँ से? सांचौर से, जिला जालौर। जिला जालौर से है। और दूसरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। भाई अब जा रहे हैं, चलो ठीक है, बाय बाय। बहुत अच्छे बंदे मिलो तब मालूम चलेगा।
तो भाई शाम के बज रहे हैं 6:15 और हम बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। तो अब बात ऐसी है कि अब रात को 11 बजे नो एंट्री खुलेगा, तो नो एंट्री के बाद काफ़ी ट्रैफिक रहता है और आज 26 जनवरी था, शायद लोग आज घर से ज़्यादा बाहर निकले होंगे। हम यहाँ से निकलेंगे तकरीबन कोई 12:30-1 बजे के करीब निकलेंगे रात को, जब ट्रैफिक कम हो जाएगा। यहाँ से हमें 20 किलोमीटर जाना आगे, हेलो तो हेलो देखते हैं अब शाम के लिए बनाएंगे हेलो खाना हेलो वगैरह। हेलो वो सामने बाथरूम में और वो सामने अन्य की गाड़ी लोड हो रही है, आलू लोड हो रहा है तमिलनाडु के लिए यहाँ से। और मंडी देखो भाई कितनी शांत पड़ी हुई है यार, बहुत ही शांत है मंडी। यहाँ पे तो चिड़िया भी नहीं फड़फड़ा रही है और सारी मार्केट जो है बंद है भाई। वो सामने RJ आ रहा है, गाड़ी खाली हो चुकी है लेकिन भाड़ा नहीं मिला, इस वजह से ये भाई यहाँ पे रुके। और ये दो गाड़ियों को भी भाड़ा नहीं मिला हुआ, ये भी इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और पीछे मैच खेल रहे हैं भाई कुछ। और देखो मार्केट पूरा शांत है भाई, क्या बताऊँ कैसी शांति है यहाँ पे। ना पानी मिला हमें, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाया। तो भाई बज रहे रात के 7 और देखो यार आप कहते हो, तो देखो ड्राइवर भाई की जिंदगी यार। वो देखो काफी भाई बैठे हुए हैं सामने, आग जलाई हुई है और रोटियां राजस्थान के डोडे बन रहे हैं और नाले सरसों का साग भी बना रहे हैं भाई सब बैठ के। अपना खाना तो बना हुआ है, अब थोड़ी देर तक ही खाएंगे हम भी। एक ड्राइवर को ना बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ जो है जीनी पड़ती है यार, बहुत मुश्किलें आती है अपनी लाइफ में। गाड़ी अपनी स्टार्ट कर दी है अब तो, अब यहाँ से चलते हैं बाहर गेट के बाहर लगा। तो भाई जा रहे हैं गेट से बाहर, अपना गाड़ी गेट के बाहर खड़ा करेंगे। वो भाई आए थे मिलने, उनको भी अपना गाड़ी है, तो जा रहे हैं बाहर। देखो क्या खूबसूरत प्याज है, आलू है और लहसुन है। बस ये रहा भाई मंडी के बाहर, ये देखो सामने गेट नंबर 3 है, 4-5 गेट है मंडी को। और अपनी गाड़ी जो है वो सामने खड़ी कर दी और साथ में भाई है यहीं के लोकल है भाई, इनकी ये गाड़ी है देखो क्या बढ़िया से डेकोरेशन करके रखी है, ये तो पूरी रानी बना के रख दी गाड़ी। तो अब खाना वगैरह खाया नहीं, अपना खाते हैं, पहले भाई से करते हैं बातें उसके बाद खाते हैं। यह है भाई की गाड़ी, देखो क्या बढ़िया से डेकोरेशन है, लाइट्स वगैरह फिटेड है गाड़ी में, टाटा अल्ट्रा है, अभी तो 21-22 लाख की होगी, 22 फुट की गाड़ी है। यह देखो भाई व्हील कप भी गाड़ी में डले हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके के साथ डेकोरेशन है। चलो तो चलते हैं भाई से करते हैं बातें पहले। भाई गेट से बाहर आ गए तो यार गेट वाला भी 200 रुपया ले गया बिना मतलब का, कहता भाई स्टैंप होनी चाहिए, लेकिन अपना गाड़ी जो था वो खाली नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, रस्सा त्रपाल वैसे ही पड़ा हुआ। और भाई जो है तो भाई इधरी से, भाई क्या नाम है आपका? अजय भाई। हाँ भाई अजय रेड्डी है ना, अजय रेड्डी। हाँ तो भाई की अपनी गाड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा था, टाटा अल्ट्रा की गाड़ी है, 22 फुट की गाड़ी है। तो भाई तो यहाँ रहते हैं कहाँ? यहीं के लोकल ही है भाई। तो भाई ने भी जाना अपलोड करने के लिए और खाना बन रहा है, भाई को खाना खिला के भेजेंगे यहाँ से। चावल बने हुए थे लेकिन कम थे, थोड़े और बना दिए, आलू की सब्जी अपनी दिन की पड़ी हुई है, खाते हैं खाना। तो उसके बाद भाई ने भी जाना है क्योंकि भाई ने सुबह करनी है गाड़ी लोड। अनुज भाई ने किया है सलाद कट, ये रहा अपना सलाद भाई, और भाई भी इधर है, भाई को भी सोचा खाना खिला लेंगे। ये अपने थे चावल और आलू बने हुए थे दिन के, तो बस वही तो चावल थोड़े बनाने थे, तो अब खाएंगे खाना उसके बाद। पता नहीं अपना खाना कैसे लगेगा, कोई बात नहीं भाई चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो भाई खाना वगैरह सब हो गया, तो भाई को पूछेंगे भाई खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। दिन के बने हुए थे आलू, अनुज भाई ने बढ़िया से बनाए थे, बस थोड़ा जरा भाई को भी पसंद नहीं आलू ना मुझे, लेकिन टेस्ट बढ़िया था आलू का। तो अब करते हैं थोड़ी बातें, तो उसके बाद अभी बज रहे हैं रात के 11:45, तो 11:30-12 बजे के करीब चलेंगे यहाँ से मंडी में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है वहाँ पे। हाँ भाई ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक रहता है, अभी 11:30-11 को इधर से निकल लेगा। रात के हो रहे हैं 11:30, तो अभी हम यहीं पे मंडी के गेट के बाहर हैं, तो अभी जाना है वहाँ पे, लेकिन अभी काफी ट्रैफिक होता है। भाई कह रहे थे, भाई भी यहीं पे बैठे हुए हैं, भाई ने भी जाना लोड करने के लिए, ये भी जाएंगे तो हमने भी जाना है। तो भाई ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के ब्लॉग को करेंगे हम यही भी खत्म। आपको अब मिलेंगे हम कहाँ पे? मंडी के अंदर, दूसरी मंडी के अंदर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर का सफर है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे भाई। तो अगर आप लाइक करते हो तो बहुत मोटिवेट मिलता है, खुशी होती है इंसान में। शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, तो भाई इंसान को खुशी होती है कि नहीं मैं वीडियो बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और कल का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जरूर वीडियो कल का भी देखिए भाई, पूरा एंड तक देखे रहिए,
और सपोर्ट करते रहे।